हेलो एवरी वन वेलकम टू एग्रीकल्चर अंडर ट्वेंटी फोर सेवन आई एम प्रतिभा शर्मा और डेली आप मेरे साथ थोड़ा आन क्लासेस करते हो अभी जो आप कर रहे हो वो एंटोमोलॉजी के कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो है वो कर रहे हो तो अगर आपको ये सेशंस पसंद आते हैं मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं और आपको क्या चाहिए साथ ही साथ ऐसी क्लासेस मेरी क्लासेस और ऐसी बहुत सारी क्लासेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड क्रॉस करने वाली हैं अगर इतनी सारी क्लासेस फ्री में अगर आपको कोई दे पाएगा वो है एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना साथ ही साथ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल ऐप है यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करते हो सामने लिंक दिया है आपको कुछ क्वाइंस मिलते हैं क्वाइंस को आप यूज कर सकते हो हमारे किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए फॉर एडिशनल डिस्काउंट साथ ही साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे करंट अफेयर्स जॉब अलर्ट्स सब्जेक्ट वाइज क्विजेस ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है तो सेशन को शुरू करते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है बरखा दीपक कपिल शुभम मधुरिमा पीयूष निहारिका आदर्श गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो आदर्श आदर्श का नाम मुझे याद हो गया यार आदर्श ने मुझे आज बहुत अच्छा वो एक उपाय बताया है गले के लिए तो अभी घर जाके मैं वो करने वाली हूँ ठीक है चलो अच्छा लगता है मुझे जो रेगुलर बच्चे हैं डेली आते हैं मुझे उनके नाम तक याद होते हैं मुझे ऐसा लगता है हाँ एक एक कनेक्शन बन रहा है तभी आप डेली आ रहे हो समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें सो कपिल जयेश अमित मेलोडीफाई एग्रीकल्चर नॉलेज राम ओके okay, पूजा ठीक है तो हमारे पास आंसर आना शुरू हो गए हैं मधुरिमा लिख रही है बी पूजा लिख रही है फोर तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट है लार्वल स्टेज यूजअली जो लार्वल स्टेज होती है उसमें लेग्स नहीं होती है है ना लेकिन यहां पर प्रो लेग्स मतलब जो लेग्स हैं उससे पहले की एक स्टेज होती है पूरी कंप्लीटली लेग्स डेवलप नहीं होती है पर छोटी छोटी लेग्स होती है <coughs> और वो किस में होती है क्या वो थ्रिप्स के जो लार्वा होते हैं उसमें है, है, है. यहां पर सही आंसर बी हो जाएगा है ना दी, दीपक कबूल कर रहे हैं कि मैंने तुक्का मारा है। <laughs> क्या तुक्का मारा है तुमने बी चलो तुम्हारा तुक्का सही हो गया है तो मैं आपको अभी पिक्चर दिखाने वाली हूं सो दिस इज द लार्वा ऑफ मस्टर्ड सॉफ लाई ये जो आप यहां पर टांगे देख रहे हो ठीक है ये इनको कहेंगे प्रोलेग्स तो ये किस में पाई जाती है लार्वा ऑफ अथेलिया प्रॉग्जिमा ल्यूजन यानी मस्टर्ड सॉफ लाई के लार्वा में ठीक है अच्छा लाइव और लाइक इक्वल नहीं है जल्दी से सेशन को लाइक कर दो है ना अगर पसंद आ रहे हैं अभी तो पहला ही क्वेश्चन है है ना जल्दी से सेशन को लाइक कर दो हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं इन विच ऑर्डर कौन से ऑर्डर में फीमेल्स में प्यूपल स्टेज नहीं होता लेकिन मेल्स में प्यूपल स्टेज होता है ये थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है थोड़े बेसिक से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूं कि चाहे जे का लेवल हो चाहे एमएससी एंट्रेंस हो यूपी कैडेट कुछ भी हो आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने चाहिए कि आपके माइंड में जो है वो स्ट्राइक हो जाए आंसर जल्दी से बता दो गुड इवनिंग रूपेश जल्दी से बताओ मेलोफेगा या ओके, okay, जल्दी से मैं आंसर बता देती क्योंकि आपके लिए नया है आ, बी आ जाएगा बी ऑर्डर जो है आपका स्ट्रेपसिप्ट्रा जिसमें आती है ये स्ट्रेप्सी का मतलब होता है स्ट्रेप्सी का मतलब होता है ट्विस्टेड तो इस तरीके से आपका ये जो इंसेक्ट है इसके ट्विस्टेड विंग्स होते हैं जहां पर भी पीटीए आर है that is wings, का मतलब होता है? ट्विस्टेड तो ट्विस्टेड नहीं होता मेल्स में होता है ठीक है तो बी आंसर सही हो जाएगा ठीक है <coughs> कोई बात नहीं जब सैटरडे को रिवीजन कराऊंगी तो सब आंसर सही होने चाहिए आपके ठीक है एंटोमोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं उसका रिवीजन फटाफट से हम 50 क्वेश्चन करेंगे और आप उनके सही आंसर बताओगे ठीक है तो सभी सभी ने आना है सैटरडे को थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं लाइक like अभी भी इक्वल नहीं हुए हैं मैं फिर से याद दिला दूं जो सेशन को लाइक like नहीं हैं, वो जल्दी सेशन को लाइक like कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन अगर हम फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात करें तो जो इंसेक्टी द रेजिस्टेंस टू इंसेक्टीसाइड में जो अगर हम अंधाधुंध इनडिसक्रिमिनेट यूज करते रहते हैं किसी भी पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन इंसेक्टिसाइड्स का ऐसा क्यों होता है ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिकेंट टू नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स वो इंसेक्ट क्या करते हैं अपने जो टॉक्सिसिटी होती है इंसेक्टिसाइड की उसको नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देते हैं बदल देते देते हैं 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 एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिकेंट जैसे ही ही वो वो जो इंसेक्टिसाइड है उसको इंटेक करते हैं, वैसे ही उसको इनटेक करते वैसे एक्सक्रीट भी कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तीसरा स्टोरेज ऑफ द टॉक्सिकेंट उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो उस टॉक्सिकेंट को कहीं पे स्टोर करके रखेंगे और वो टॉक्सिकेंट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी तो फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन में ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं रीजन होते हैं कि इंसेक्ट जो है पेस्ट जो है वो इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो जाता है तो यहां पर आदर्श का आंसर जो है वो सही है ठीक है स्मॉलेस्ट ऑर्डर बरखा स्मॉलेस्ट ऑर्डर आपका हो जाता है जोरोप्ट्रा ठीक है जोरोप्ट्रा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रिडक्शन ऑफ अ पेस्ट पॉपुलेशन द बैलेंस ऑफ द नेचुरल एनिमीज इज मैंटेन्ड इन बोला है अगर आपको किसी पेस्ट पॉपुलेशन को खत्म करना या कम करना है और आप नैचुरल एनिमीज का बैलेंस बना के रख रहे हो तो क्या वो मैनेजमेंट में आएगा क्या वो कंट्रोल में आएगा क्या वो इराडिकेशन में आएगा या किसी और चीज में आएगा जो यहां नहीं लिखी है तो इरेडिकेशन का मतलब होता है पूरे तरीके से रिमूव कर देना तो कभी भी आप पेस्ट एक बार आ गया तो उसको पूरे तरीके से रिमूव नहीं कर सकते जस्ट बाय वे ऑफ सम नेचुरल ठीक है एक बार अगर पेस्ट आउटब्रेक हो गया तो आपको केमिकल्स किसी ना किसी तरह से यूज करना ही पड़ेगा ठीक है अगर हम कंट्रोल की बात करें तो पेस्ट के केस में कभी कंप्लीट कंट्रोल नहीं आ सकता कंट्रोल और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है कंट्रोल का मतलब है पूरे तरीके से कंट्रोल जीरो परसेंट इंफेस्टेशन और मैनेजमेंट का मतलब है कि पेस्ट पॉपुलेशन अब आ चुकी है उसको कम करना है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ठीक है तो ए आंसर जिसने भी लिखा है यहां पर मैं देख पा रही हूं मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर लिखा है दैट इज राइट पेस्ट मैनेजमेंट इज द राइट आंसर ठीक है ए आंसर सही हो जाएगा अगला सवाल लाइट ट्रैपिंग ऑफ द इंसेक्ट इज डन इन द अगर आप लाइट ट्रैप्स यूज कर रहे हो ज्यादातर जो नॉकटर्नल पेस्ट होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं जैसे कि जितने भी आपकी मॉथ्स होती हैं है ना आ, वो नॉक्टर्नल होती हैं तो उनके लिए आप लाइट ट्रैप यूज कर रहे हो तो वो कौन सा मेथड है क्या वो कल्चरल मेथड है क्या वो लीगल मेथड है क्या वो मकैनिकल मैथड है या वो प्रिवेंटिव मैथड है <coughs> Hmm. यहाँ पर कोई ए लिख रहा है कोई बी लिख रहा है कोई सी लिख रहा है हाँ बी कैसे लग रहा है आपको लीगल मेथड पता क्या होता है जब आप क्वारंटीन करते हो है ना कोई लॉ या जैसे डीपा है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट है ना जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो क्वारंटीन कर रहे हो चाहे इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक वो सब आपके लीगल मेथड में आते हैं ठीक है अगर हम कल्चरल मेथड की बात करें यहाँ पे कईयों ने ए आंसर दिया है तो कल्चरल मेथड्स में आपकी वो चीजें आती हैं जो आप फील्ड में कल्टीवेशन के टाइम पर यूज कर रहे हो जैसे कि प्लोइंग है ना जैसे कि क्लीन कल्टीवेशन जैसे कि ट्रैप क्रॉप्स ना ऐसी क्रॉप जो ट्रैपिंग में हेल्प कर रही है लेकिन यहां पर लाइट ट्रैप्स का यूज हो रहा है जो कि एक मशीन कहीं ना कहीं हो जाती है तो क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल मेथड हो जाएगा है ना कल्चरल मेथड नहीं होगा रोशन देखो दो चीजें होती हैं और वो चीजें हैं एक होते हैं ट्रैप्स है ना और एक होते हैं ट्रैप क्रॉप ट्रैप क्रॉप कल्चरल मेथड में आती है लेकिन जो नॉर्मल लाइट ट्रैप्स होती हैं, वो मैकेनिकल मेथड्स में आती हैं। ध्यान रखना ट्रैप क्रॉप जैसे कि अगर आपको अपने कॉटन को बचाना है है ना आपके इससे हमेशा क्यों भूल जाती हूँ स्पॉटेड जो आपका स्पॉटेड वॉलवर्म होता है उससे आपको एरियस वाइटिला को आप, से आपको कॉटन को बचाना है तो आप क्या करोगे ओकरा की बलिदानी दे दोगे ओकरा को एज अ ट्रैप क्रॉप यूज करोगे कल्टीवेशन के टाइम पर इसीलिए उसको कल्चरल मेथड बोलते हैं लेकिन ट्रैप्स जब आप यूज कर रहे हो वो आपका मैकेनिकल मेथड है ठीक है तो जिसने भी ए बी लिखा है वो गलत है सी वाले सही है ठीक है अगला सवाल नेम इंसेक्ट विच इज नोन एज ओलिगोफेगस फैगस पेस्ट इनमें से ओलिगोफेगस पेस्ट कौन सा है तो आपने आज तक मोनोफेगस सुना होगा पॉलीफेगस सुना होगा ये ओलीगोफेगस क्या है <coughs> और का मतलब होता है फ्यू फ्यू का मतलब होता है कुछ <clears throat> मतलब इसका एक से ज्यादा खाना है लेकिन बहुत डिफरेंट और डाइवर्स खाना नहीं है जैसे टर्माइट होती है वो दीमक जो होती है वो सारे पार्ट खा लेती है सारी क्रॉप खा लेती है कुछ नहीं छोड़ती लेकिन इसमें से कौन है जो दो तीन या चार क्रॉप को डैमेज करता है है ना ज्यादा होस्ट रेंज नहीं है मतलब एक ही फैमिली के लोगों को खाता है या ऐसा कुछ है देखो पिंक वॉम, वा, फ्रूट एंड शूट बोरर ग्रास हॉपर या कैबेज बटरफ्लाई जो फ्रूट और शूट बोरर है ना वो ब्रिंजल में ही करता है सिर्फ ठीक है, फ्रूट एंड श्रूट बोर एक ब्रिंजल का पेस्ट है बेसिकली uh, तो, uh, तो ग्रास हॉपर जो है जब खाने पे आता है तो वो अलग अलग वेराइटी का फूड खाता है लेकिन अगर हम कैबेज बटरफ्लाई की बात करें तो कैबेज बटरफ्लाई ज्यादा से ज्यादा कैबेज को हार्म करती है, है ना बाई चांस उसको कैबेज ना मिले तो वो मूव फॉरवर्ड करती है या तो कॉलीफ्लावर पे या तो मस्टर्ड पे उससे ज्यादा ये नहीं जाती है तो इसके दो तीन बेचारे खाने के प्रकार हैं ये क्रूसी फेरस पे ही जो है वो अटैक करेगी और किसी पे नहीं करेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑलिगो फेगेस पेस्ट जो कुछ एक खाने पे जो है वो डिपेंड होती है ठीक है तो डी आंसर यहां पर सही हो जाएगा ग्रास हॉपर का होता है इधर उधर का खाना कभी उसने कुछ खा लिया कभी इंसेक्ट खा लिया कभी क्रॉप खा ली तो इतना सारा डाइवर्सिटी है कि इंसेक्ट को भी खा लेता है ग्रास हॉपर और क्रॉप को भी खा लेता है है ना कल ही हमने पढ़ा था ग्रास हॉपर के बारे में एक क्रॉप का था राइट तो डी आंसर होगा यहां पर अगला सवाल डैमेजिंग स्टेज ऑफ कॉटन जेसिड इज जो कॉटन जैसेड्स होते हैं उसका डैमेजिंग स्टेज कौन सा है कौन सी स्टेज डैमेज करती है निम्फ एडल्ट कैटरपिलर या बोथ ए एंड बी मतलब निम्फ और सॉरी <coughs> दोनों डैमेज कॉज करते हैं हाँ ग्रास हॉपर बहुत फूडी है ठीक है तो यहां पर हमारे पास आदर्श का आंसर सबसे पहले आयाद सत्यम पूजा मधुरिमा बोथ निम्फ एंड एडल्ट है ना कॉटन जैसिड कॉटन का एक मेजर पेस्ट होता है आम रस का बिगुटूला ठीक है याद कराया है आपको जैसिड जैस और जूस जूस को रस बोलते हैं कौन सा रस आम रस आम रस का बिगुटूला कॉटन जो होते हैं उसके निम्फ और एडल्ट दोनों डैमेजिंग होते हैं ठीक है अगला सवाल नेम द इंसेक्ट विच कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनमें से कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो हाई टेंपरेचर और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी अच्छा खासा सरवाइव कर लेता है योर ऑप्शन आर खपरा बीटल राइज वीविल रस्ट रेड फ्लोर बीटल एंगोइमस ग्रेन मॉथ फाउंडेशन बैच में दो बजे आज कराया मैंने बताओ सही आंसर बताओ नरोतम जय श्री राधे थोड़ा लेट हो गए बट आप आए सो so, मुझे अच्छा लगा है ना कल आपकी पहली क्लास थी So, यहाँ पर हमारे पास आंसर्स मैक्सिमम सही आए हैं एक दो आंसर गलत आए हैं बट इट्स खपरा बीटल ठीक है खपरा बीटल एक स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है और पिछली बार एफओ में इसका क्वेश्चन आया था कि ट्रोगोडर्मा स्पीशीज इज अ, ठीक है <coughs> क्या ये एक फंगस है बैक्टीरिया है पैरासीटोइड है या एक स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है तो जब आपको पता होगा कि ट्रोगोडर्मा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ खपरा बीटल क्योंकि ये से मिलता जुलता है तभी तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है ठीक ट्रोगो डर्मा स्पीशीज और ये जो खपरा बीटल है ये एक एक्सटर्नल फीडर होता है यानी ये ग्रेन को अंदर से नहीं खाता है सिर्फ बाहर से ही खाता है लेकिन ये खतरनाक क्यों है क्योंकि बाकी सारे जितने भी राइस वीविल है या लेसर ग्रेन बोरर है इन सब को मॉइस्ट चाहिए होता है मॉइस्चर चाहिए होता है तभी वो आते हैं तभी आप जब भी चावल बनाते हो जब भी आप चावल निकालते हो डब्बे से तो मम्मी बोलती होंगी मेरी मम्मी तो बोलती है कि गीली कॉली नहीं डालनी या गीला ग्लास नहीं डालना है गीले बर्तन से उसको चावल को नहीं निकालना है क्योंकि फिर चावल में मॉइस्चर आ जाएगा और मॉइस्चर आ जाएगा तो वो जो सीढ़ियां आती है ना और जाले भी बनाती है राइस मॉथ राइस मौत होती है जो जाले बनाती है कई बार आपने देखा होगा चावलों के बीच में रखे रखे जाले बन जाते हैं तो वो वो जो सिल्कन वेब मास होता है ना नाइज मौत काले काले जो आप निकालते हो ना चावल में से वो राइस होता है सारे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है उनको मॉइस्चर चाहिए होता है लेकिन ये जो खपरा बीटर है ये क्या करता है इसको मॉइस्चर नहीं चाहिए लो मॉइस्चर में भी आ जाता है हाई टेम्परेचर में भी आता है और चार से पांच से लेके सात साल तक बिना खाने के ये रह सकता है <coughs> ठीक है तो खपरा बीटल है जो इन कंडीशंस पे भी आ जाता है अगला सवाल ऑडोंटो टर्मिस ऑबेसस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बहुत ही आसान ये सवाल है और <coughs> सॉरी जल्दी से बता दो लाइक और लाइव की संख्या इक्वल नहीं है यार कर दो लाइक यार पसंद नहीं आ रहे क्वेश्चंस अब तो मैं बहुत नए नए क्वेश्चंस ला रही क्योंकि मुझे एक बहुत ही दो चार मैं तब मैं तो बुक्स ऑर्डर करती रहती हूँ ना क्योंकि मुझे अब है अब स्टूडेंट लाइफ में ना इतना फाइनेंशियली होता है ना आपको खर्चने चाहिए इतने पैसे है ना अब मैं क्या करती हूँ मेरा एक वो रहता है गोल रहता है कि जो मेरी सैलरी आएगी मैं एटलीस्ट एक बुक तो ट्राई करूंगी नहीं कि देखते हैं कैस, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे कैसे मॉडल पेपर है क्या है तो मैं तो कोशिश करूंगी कि इसी उड़ान क्लास में आपको तरह तरह के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिलते रहे चाहे वो प्रीवियस ईयर है, है ना चाहे वो कोई और है कॉन्सेप्चुअल है या कुछ खुद मैं थ्योरी से बना देती हूँ कुछ क्वेश्चन तो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा आपको इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप एक बार यहाँ आ गए हो तो अब एंटोमोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग सीड साइंस का एक छोटे से छोटा टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा बाई चांस आपको लगता है कि कोई और टॉपिक आपको जानने की जरूरत है कमेंट में लिखो मैम हमें यह पढ़ा दो मैम रेडी हो जाएंगी अगले दिन या दो दिन बाद ठीक है आपके लिए लेकर ठीक है पानी में लाना भूल गई आज क्या करूं और आकाश सर की भी क्लास है ऊपर थ्योरी चली हुई किससे मंगवाऊं मैं चलो तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी दैट इज टर्माइट ठीक है अगला सवाल ये तो बहुत इजी है और बेसिक है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर फाउंड इन ठीक है पियर्स का मतलब क्या होता है चुभाना ठीक है जैसे आप कान में छेद कराते हो ना है ना पियर्स कराते हो नोज में कराते हो पियर्सिंग तो पियर्स का मतलब होता है चुभाना ठीक है तो ये जो इंसेक्ट होते हैं पियर्सिंग वाले इनके पास एक स्टाइलेट होती है एक नीडल लाइक -like स्ट्रक्चर इस नीडल लाइक -like स्ट्रक्चर को इस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को जो इंसेक्ट होते हैं वो अंदर घुसाते हैं प्लांट टिश्यू के और जो सैप होता है उसको सख करते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर हो जाएगा एफिड जितने भी एफिड है वाइट फ्लाई है ये सब जो है वो पियर्सिंग और सकिंग में आते हैं एक होता है रास्पिंग एंड सकिंग रास्पिंग एंड सकिंग इनके पास स्टाइलेट नहीं होती है रास्पिंग का मतलब होता है बेसिकली चीर फाड़ करना ये भी जो है सैप सक करते हैं लेकिन कैसे सकिंग करते हैं लेकिन चीर फाड़ करके जैसे कि थ्रिप्स रास्प और थ्रिप, को पी से जोड़ो जो थ्रिप्स होते हैं वो रास्पिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं ठीक है चलो तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट एफिड्स में होते हैं अगला सवाल सेंजोज़ स्केल इज अ मेजर पेस्ट ऑफ जो सेंजोज स्केल है वो किसका मेजर पेस्ट है आलमंड एंड एप्पल का पियर एंड प्लम का मैंगो एंड गुआवा का या बनाना एंड पपाया का किसका है सेंजोज स्केल यस रोत्तम दैट्स राइट बाइटिंग एंड ग्रास हॉपर के होते हैं हमारे पास सबके सही आंसर आ चुके हैं मधुरिमा चंद्रप्रकाश दामिनी सुमन पीयूष पूजा सबका सही आंसर है दैट इज आलमंड एंड एप्पल बेसिकली एप्पल का होता है ये है ना तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है आलमंड एंड एप्पल अगला सवाल स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट बिलोंग टू द ऑर्डर कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं जो स्टिक इंसेक्ट होते हैं है ना चिपकू से छोटे-छोटे इंसेक्ट एक अलग ही ऑर्डर होता है उनका सो ऑप्शंस आर ऑर्थोप्टरा फेज़मेडा एम्बिऑप्टरा या डिक्टाइप्ट्रा देखो जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं बट कई बार आउट ऑफ द बॉक्स दो-तीन क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए इसको जल्दी से अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि ये जो स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है फेजमेडा ठीक है ये एक नया क्वेश्चन है जो कि दामिनी नरोतम सुमन ने सही लिखा है ने भी सही लिखा है सागर ने सही लिखा है वेरी गुड इसका मतलब तुम्हें आता था ये क्वेश्चन रुचि ने भी सही लिखा है तो उसको लिख लेना जिसको नहीं आता था नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेम बोरर एंड पिंक बोरर कैन बी कंट्रोल्ड बाय पिंक बोरर और स्टेम बोरर ये किससे कंट्रोल कर सकते हैं हम इफेक्टिवली थीमेट से एल्ड से डायथेन जेड एट से या इन सबसे कर सकते हैं तो कई बार जब हम तुक्के लगाते हैं, हमें लगता है जहां पर ऑल ऑफ ऑप्शन है पे हम D कर देते हैं, भाई सेफ, सेफ होगा, है ना लेकिन यहां पर पूछा है कि भाई सबसे इफेक्टिव कौन सा है या तभी इसके ऑप्शन दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा एल्ड्रिन यहां पे सुराजीत का आंसर सही है नरोत्तम सुमन का भी सही है ठीक है तो ऑल ऑफ दीज यहां बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे दो तीन लोगों का आंसर सही है रविंद्र का सही है तो एल्ड्रीन आंसर हो जाएगा इसका जो पिंक बोरर है वो एक मौत है और ये नॉक्टर्नल होती है और जो एल्ड्रीन है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ऑर्गेनोक्लोरिन इसके अंदर क्या होता है ऑर्गेनोक्लोरिन होता है इसके स्ट्रक्चर में तो ये सबसे इफेक्टिव होता है बोरर्स के लिए ठीक है अगला सवाल कलर ऑफ ग्रास हॉपर्स ब्लड इज जो ग्रास हॉपर का खून होता है ब्लड होता है वो किस रंग का होता है क्या वो रेड कलर का होता है ब्लू कलर का होता है व्हाइट कलर का होता है या कलरलेस होता है बताओ हाँ सब डी डी लगा के फिर हंसो है ना चलो बताओ जल्दी से किस कलर का होता है तो के लगा दो चलो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका टाइम भी होने वाला है जल्दी बताओ इट इज कलरलेस वेरी गुड शुभांकित त्रिपाठी पूजा सत्यम ठीक है कलरलेस होता है जो ग्रास हॉपर का ब्लड होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द डैमेजिंग स्टेज ऑफ कट एग्रोटिस इप्सिलॉन इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैनाबिलिस्टिक हैबिट होती है इसमें मतलब ये अपनी ही स्पीशीज को खा जाते हैं ठीक है इसका डैमेजिंग स्टेज क्या होता है कैटरपिलर निम्फ गर्ब या एडल्ट अब यहां पर जो देखने वाली बात है वो क्या है यहां पर बताओ पहले तो आंसर बता दो ये किसने लिखा है वेरी नाइस बरखा लिख रही है हीमोलिम्फ क्या होता है हीमोलिम्फ जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसे कहते हैं हीमोलिम्फ ठीक है सो so, अच्छा नरोत्तम सैनी इज नाउ नरोत्तम नरोत्तम सुमन ओके okay. चलो तो यहां पर निहारिका लिख रही है कैटरपिलर बहुत सारे लिख रहे हैं ए और बहुत सारे लिख रहे हैं सी ठीक है देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए है ना तो क्या थी यहां देखने वाली बात कहीं ना कहीं कैटर पिल्लर और ग्रब सारे के सारे लार्वा हैं है ना लेकिन अब हमें देखना है कि कटवॉर्म क्या होता है कटवॉर्म एक मौत होती है और मौत लेपिडोप्ट्रा ऑर्डर में आती है जो बटरफ्लाई और मौत होती है उसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं ठीक है लेपिडोप्ट्रा ऑर्डर की जो बटरफ्लाई वास मौत होती है उसके लार्वा स्टेज को कैटरपिलर कहते हैं देखा किस तरीके का क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर ने <coughs> निम्फ जो भी हेमिप्ट्रा ऑर्डर में आते हैं व्हाइट फ्लाई जैसिड एफेड इवन ग्रास होपर ऑल्सोप्ट्रा का उसका जो लार्वा होता है उसको निम्फ कहते हैं ठीक है ग्रब किसको कहते हैं जो कॉलियोप्ट्रा ऑर्डर यानी बीटल और बीविल्स होते हैं उसके लार्वा को ग्रब कहते हैं और जो मखियां होती हैं डिप्ट्रा उसके लार्वा को मैगेट्स कहते हैं है ना तो यहां पर कट वॉम एग्रोटिव एक मौत है और ये जो मौत है इसको कैटरपिलर कहेंगे है ना तो जिसने भी सी कर दिया है वो गलत हो गया उसको लगा यह कॉलियोप्ट्रा ऑर्डर वाला वॉर्म है ठीक है सो दैट्स इट आज के लिए इतना ही टाइम हो चुका है अगेन यहां पे मैं आपको बता रही हूं महापैक एग्रीकल्चर महापैक पे आज और कल के लिए जो है मैक्सिमम डिस्काउंट चला है तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हो और कोड यूज यहां पर होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए वो रहेगा वाई सेवन एट वन ए ए। इसको लिख लो क्योंकि कोई भी कोर्स कभी भी परचेज करोगे तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ठीक है ये हमेशा एक्टिव रहता है अब आप कैसे एनरोल कर सकते हो और क्या है ये एग्रीकल्चर महापैक बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं एग्रीकल्चर में आती रहेंगी फिलहाल इफको है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है नाबार्ड है एएफओ है बहुत जल्दी हो सकता है क्रिबको की वैकेंसी आए है ना हो सकता है एफ आए टीए की वैकेंसी आए तो इन सभी बैचेस को आपको अलग अलग ना लेना पड़े आप एक बार एग्रीकल्चर महापैक लो सिक्स थाउजेंड uh, का मतलब छ हजार का आपको ये कोर्स लेना है इसमें आपको आने वाले एक साल तक हमारे जितने भी बैचेज हैं अगर हम ए एफ को एफ ओ के पांच बैचेज लाते तो पांचों आपको मिलेंगे वो ठीक है साथ में हम जितनी भी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं मॉक टेस्ट बना रहे हैं वो सब आपको फ्री मिलेंगे ठीक है कैसे आप एनरोल कर सकते हो गूगल पे जाओ अपने जैसे ही गूगल पे जाओगे यहां पर लिखना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन या नॉर्मली आप एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो जैसे ही आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लिखते हो फर्स्ट लिंक ओपन करना है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको ओपन करते ही यहां पर हमारी साइट ओपन हो जाएगी ऑल कोर्सेज पे जाना है ऑल कोर्सेज पे जाके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है जैसे ही एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपके लिए जितना भी है एग्रीकल्चर महापैक है आर का बैच है इफको का बैच है ए का बैच है है ना और एग्रीकल्चर करंट अफेयर की संदीप सामल सर की बुक भी है तो ये सब कुछ आप यहां से जो है वो एनरोल कर सकते हो मैं बात कर रही थी एग्रीकल्चर महापैक की एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करने के लिए आप यहां तक जाएंगे इसको ओपन करेंगे यहां पे बाय नाव पे जाएंगे जैसे ही बाय नाउ पे जाएंगे यहां आएगा अ कूपन कोड एंटर इट हेयर यहां पर आपको कोड लगाना है Y781A और इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है तो प्राइस दो दिन के लिए ड्रॉप हुआ है तो इसके साथ ही आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर <coughs> यह बैच मिलने वाला है ठीक है तो दैट्स इट आज के लिए इतना ही इसके अलावा जो ए की तैयारी कर रहे हैं और उनको लास्ट में रिवीजन करना है उनके लिए भी बैच आ चुका है और उसका प्राइस भी ड्रॉप हुआ है कूपन कोड सेम रहेगा और अगर आपको करंट अफेयर की बुक लेनी है या कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसके लिए डिस्काउंट कोड रहेगा वाई सेवन एट वन एस ठीक है प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इसके साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे और आपको टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा कभी भी हमसे डाउट और डिस्कशन कर सकते हो और जो भी हमारे नोट्स रहेंगे उनको आप प्रिंट करवा सकते हो सो दैट्स इट और कोई ओके okay. 6:45 पे मेरा एक सेशन है इसी चैनल पर जहां पे मैं एंटोमोलॉजी के ही कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी तो जिसको एंटोमोलॉजी के टॉपिक डिस्कस करने वो 645 पे आ जाना ठीक है बाय बाय टेक केयर